हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने एक मेट्रोपोल लेके आया हूँ जल कंपनी का। दोस्तों इसको मैं भी खोलने वाला हूँ, ये नया मेट्रोपोल है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दोनों तरफ से एमटीए लगने वाला है। एक तरफ से 1.5 इंच का एमटीए इसमें लगेगा और एक इंच इसमें एक तरफ से 1.25 इंच का एमटीए लगेगा। ये थोड़ा जैगवार से हटकर आता है दोस्तों, इसलिए मैं इसकी वीडियो मैंने बनाना ज़रूरी समझा। जल कंपनी के अंदर जो है थ्रेड, दोनों थ्रेड फीमेल होते हैं, इसलिए इसमें एमटीए लगता है। तो दोस्तों आज हम इसको खोलने वाले हैं और इसको इसमें पार्ट्स, इसके पूरे पार्ट्स अलग करने वाले हैं, ताकि आपको अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो दोस्तों आप इसको आसानी कंसील्ड में भी खोल सकते हो। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। ये जो वाइशर है दोस्तों कट वाला, इसको निकालना है, इस तरह से पकड़ ले दोस्तों, ताकि ये जो वाइशर हम निकाले इसको ड्रॉवर की मदद से, तो ये उड़े नहीं और इधर उधर नहीं जाए। इसलिए आराम से इसको ऐसा हल्का बना के लौटना है बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरह से ये वाइशर निकल जाता है आसानी से। एक वाइशर निकला, अब ये स्प्रिंग है इसके पीछे, तो ये प्लास्टिक वाइशर फिर निकलेगा। ये देखिए प्लास्टिक का वाइशर भी निकल गया और ये स्प्रिंग है दोस्तों। अब इसको हमको क्या करना है, एडजस्टेबल की मदद से खोलना है। ये देखिए दोस्तों, अगर ये कंसील्ड में है दोस्तों तो आपको बॉक्स पाना लगेगा। अभी ये कंसील्ड में नहीं है इसलिए मैं इसको एडजस्टेबल से खोल रहा हूँ। एडजस्टेबल पाने से बाहर के कंसील्ड में नहीं है इसलिए खुल जाएगा, लेकिन अगर ये कंसील्ड है तो आपको बॉक्स पाने की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, ये इसका अपर पार्ट निकल गया है। अभी है मेन अंदर के पार्ट निकालने की बारी। तो दोस्तों दो उंगलियों की मदद से आप इसको निकालें। किसी चीज का, नोज प्लायर का या पिंचेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये कमजोर होता है, टूट सकता है। देखिए दोस्तों ये निकल गया है पार्ट। ये पिंचेस वगैरह से निकालने में इसमें स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं या टूट सकता है, तो आप उसको बिल्कुल भी पेंचिस से ना निकालें। और देखिए ये है इसका दोस्तों स्पंडल अंदर का। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर का जो वाइशर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये वाइशर अगले जो जाली लगी हुई थी उसके ऊपर आकर टच होता है, उसमें भी एक वाइशर होता है। तो दोस्तों इससे ये पानी बंद करता है, ये ब्लू वाइशर से इस तरह से आकर लगता है दोस्तों। तो ये प्रेस होने की वजह से स्प्रिंग उसको खींच के रखता है बाहर की तरफ, तो ये पानी बंद हो जाता है। और इसमें एक पिस्टन है प्लास्टिक का अंदर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ थोड़ा हल्का सा। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू वाइशर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या है कि ये पुश किया तो पानी निकला, ये वापस स्प्रिंग ने इसको खींचा तो ये वापस बंद हो गया। ऐसे ये काम करता है दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है। ये पिस्टन में जब पुश करते हैं हम दोस्तों, तो पिस्टन में ये अंदर की तरफ ढकेले जाता है और पानी शुरू होता है। तो दोस्तों ऐसा इसका वर्किंग होता है। और ये जो पिस्टन है इसको भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसको अभी नहीं निकालने वाला, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा खराब अगर रहता तो मैं इसको निकाल देता, लेकिन ये पूरा पीस अच्छा है, ये निकालने में खराब हो सकता है थोड़ा, इसलिए मैं इसको नहीं निकालूंगा, इसको वैसे रहने दूंगा। अगर ये खराब हो गया है किसी वजह से, इसमें घाले पड़ गए हैं या लीकेज हो रहा है, तो ये पिस्टन आप निकाल सकते हो अगर खराब हो गया हो तो। और ये जो दोस्तों ये जो पार्ट है ये भी अलग अलग होता है सेपरेट, सेम वैसे ही पिन की तरह जो हमने पिन वाइशर निकाला था वैसे ही सेम निकल सकता है। तो दोस्तों आपको इसको वापस से फिट करना है। पहले डाल लिया हमने स्पिंडल और दो उंगलियों में इस तरह से आप उसको अटका लें और ऐसा ले जाके हल्का प्रेस कर दे, ये लग जाएगा ऑटो। बस इतना ही इसमें दोस्तों सामान है, इतना ही इसमें फिटिंग्स है। आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने ये थोड़ा जल कंपनी का है इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दूं।
मेरा काम शुरू था तो मैंने एक ये वीडियो बना दिया आपके लिए दोस्तों। ऐसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे चैनल प्लम्बिंग आइडियाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। और दोस्तों अच्छे अच्छे लाइक कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह के प्लम्बिंग के टॉपिक पर जो मुझे अच्छा लगता हो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और जिस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हो वो भी हमें बताएं दोस्तों, हम आपकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम ये वीडियो बताएंगे। देखिए दोस्तों अभी स्प्रिंग हमने सिंपल सा इसको रख दिया है और ये आ गई है हमारी वाइशर को लगाने की बारी वापस से। तो सिंपली क्या करना है, जिस खाने में हमको लगाना है ऐसा कर लगा दे और पेंचिस की मदद से हल्का सा प्रेस कर दे, बस ये हो गया पैक। और दोस्तों आपका मेट्रोपोल तैयार है काम के लिए, सब सिंपल सा है दोस्तों इसका। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लम्बिंग आइडियाज।